भैया लोग पढ़ा देखे न्यूज, इतना बढ़िया जो है साहब ऐसा बैठे अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा झमाझम जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्षा हो रहा है उनके ऊपर, ऐसा वैक्सीन हुआ ऐसे दूर से छुआए हैं लगाए हैं और इतना बढ़िया वैक्सीन लिए हैं। हम तुरंत छोटे लाल को फोन किया, छोटे लाल को बोले देखे छोटे लाल देखे साहब इतना बढ़िया वैक्सीन लिए हैं और लगाने के बाद जो है बोले हैं नरसिया से कि लगा भी दिया पता भी नहीं चला। तो छोटे लाल बोलता है कि चिंटू भैया यही हाल भक्तों का भी है। हम बोले मतलब, तो कहता है कि लगा दिया है लेकिन पता नहीं चल रहा है। हम बोले छोटे लाल का मतलब है तुम्हारा, तो छोटे लाल फुनवा कट कर दिए। हम बोले छोटे लाल ये सब फालतू हरकत, हम तुरंत फोन किए छोटे लाल को, छोटे लाल को बोले छोटे लाल क्या है तुम ये सब क्या फालतू हरकत करता है, तुम लोग जो एक आदमी इतना बढ़िया तरीके से वैक्सीन लिया है उसका प्रशंसा करना चाहिए, तुम खुश होना चाहिए, देश का गौरव मान बढ़ रहा है, तुम लोग उसमें से बुराई हेरता है। अरे तुम लोग चिम्मच लोग, तुम जिस पार्टी का समर्थन करता है उस पार्टी ने आज तक क्या किया है, कुछ किया है कुछ तूरा है। तो छोटेलाल हमको बोल रहा है जिस अस्पताल में तुम्हारे साहब बैठ के वैक्सीन लिए थे उसी पार्टी ने बनाया है। हम फोन कट कर दिए। एक तो और हमारे मित्र हैं, वो क्या नाम है, राम रंजन पाड़े, जानते हो आप लोग, तो पाड़े जी भी कम नहीं, लेकिन पाड़े जी ना बहुत घुमा फिरा बात करते, पाड़े जी के बाद हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन डाउट होता है। पाड़े जी हमको बोले चिंटू भैया एक तो बात बताओ, ऐसा वैक्सीन आया है मार्केट में, कोई ऐसा वैक्सीन आया है जिसको लगा दो तो आदमी लंबा लंबा फेंकना बंद कर देता है और सही सही बोलने लगता है। हम बोले आया तो नहीं लेकिन किसको लगाना है, तो पाड़े जी बोलते एक आदमी है हमारे नजर में लेकिन बताएंगे नहीं। अरे यार पाड़े जी तुम यही सब बात करते हो यार। तो पाड़े जी फिर हमको बोले चिंटू भैया एक तो और बात बताओ, क्या तुम्हारा भी बचपन से वैक्सीन से नाता था, तुम भी बचपन से वैक्सीन लगवाना चाहते थे। तो हम बोले पाड़े जी हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये बात सुना सुना लग रहा है, कोई और बोलता था, कोई बोलता था क्या? तो पाड़े जी बोलते बोलता तो था और बोलता तो है लेकिन बताएंगे नहीं। अरे यार पाड़े जी तुम बताते कुछ भी नहीं हो यार, यही कुल करते रहते हो, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। और अब की वो टू आउट न्यूज आया कि वो 25 रुपल्ली जो उन्हें बढ़ गया है गैस के ऊपर, एलपीजी वो कौन होता है, गैस के ऊपर 25 रुपल्ली बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ा यार, उस पर इतना वो हल्ला कर रहा है कि पहले 200 बढ़ा 25 बढ़ा। अरे देखिए ऐसा है कि देश हित में हम खरीदूंगा, शेर पाला है बाबू, शेर पाला है 25 200, ये 800-900 रुपल्ली का होता है, 10-20 हजार अगर बढ़ गया ना गैस लेने का तो महीने में 10-20-25 हजार दे के खरीदेगा, हम खरीदेगा, चाहे उसके लिए गाड़ी बेचना पड़े, घोड़ा बेचना पड़े, प्रॉपर्टी बेचना पड़े, जमीन बेचना पड़े, बेचेगा खरीदेगा। बात कर रहे हो, देखो शेर पाला है तो जब शेर है तो महंगा पड़ता है, इस बात को अपनी बुद्धि में डाल लीजिए आप लोग, शेर पाला है। और पाड़े जी हमको बोल रहे हैं चिंटू भैया गैस जो है ये इतना महंगा नहीं पड़ना चाहिए, फार्मूला तो है। हम बोले पाड़े जी कैसा फार्मूला है, तो बोलते हमारे पास एक वैज्ञानिक है जो नाले से गैस निकालने का क्षमता रखता है लेकिन फार्मूला बता नहीं रहा है। हम बोले पाड़े जी कौन है, बोले है तो लेकिन नाम नहीं बताएंगे। और जब से ये 25 रुपल्ली का छोटा सा मूल्य बढ़ा है गैस के ऊपर, तो व्हाट्सएप पे नया मैसेज आ रहा है उसमें चेंज करके कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना पकाने दूंगा, तुरंत ब्लॉक मारते हैं, तुरंत सट से ब्लॉक मारते हैं, खदेड़ देते हैं, बस आए वो साले मजा लेने। और छोटे ललवा जितने जैसे जितने मनई लोग हैं ना, छोटे लाल जो है अब हमको पकड़ लिए, इनके जो राहुल बाबा है वो का नाम है समुद्र में कूद रहे थे मछुआरन के साथ। हम छोटे लाल को तुरंत फोन किए, छोटे लाल तुम इतना बात करते हो, वोट पाने के लिए तुम्हारे बाबा जो है समुद्र में कूद रहे हैं। तो छोटे लाल हमको बोल रहा है चिंटू भैया हम भी सुने कि आपके भी बाबा बंगाल की खाड़ी में कूदने वाले हैं। हम बोले छोटे लाल फालतू बात नहीं करना, तुम हमसे फालतू बात नहीं करना, हम मारेंगे तुमको, अखिया वखिया उज्जर कर देंगे तुम्हारा, ये आए हो हमसे बतवाने। और यार आप लोग बताओ ये वोट वोट पाने के लिए दंड वर्जिश कौन करता है, राहुल बाबा जो एक हाथ से ऐसे भाकर ऐसे वर्जिश कर रहे हैं। तो हम छोटे लाल से बोला कि वोट पाने के लिए जो है ऐसे ऐसे जो है वो डिप्स मार रहा है। तो छोटे लाल हमको बोलता है कि तुम्हारे साहब क्या मारते हैं। हम बोले हमारे साहब डिप्स नहीं मारते हैं, वो ऐसे
पत्थर भी ऐसे लोट लेते हैं ऐसे मुड़ी ऊपर करके और ऐसे मोर के बगल से घप सपर सपर घपर ऐसे निकल जाते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, डिस्कवरी में जाते हैं, ऐसे शेर वोर को ऐसे कनवा मोड़ के ऐसे कनवा हेट के भगाते हैं भर 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 भरो, जैसे स्कूटी नहीं भागता है। साहब का लीला बहुत अपरंपार है, उनसे कंपेयर मत करो। तो ये सब आते हैं बात करने। अंत में एक बात हम बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि पेट्रोल डीजल गैस जितना भी चीज का मूल्य बढ़ा है आपको देश हित में उस सबको खरीदना है। हाँ तो भैया देखो ऐसा है कि जितने लोगों को शिकायत था कि वैक्सीन कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा कब मिलेगा, तो वैक्सीन ये आ गया है, साहब ने लगवा के एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं, फ्री में मिलेगा, सरकारी अस्पताल जाना है फ्री में लगवाना है, और जिनको लज्जा आती है शर्म आती है हया आती है तो तुमको जाना है प्राइवेट में, 250 रुपया देना है, मात्र 250 रुपया, ठीक है, देश प्रेम में देश हित में लगवाना है, बढ़ जाएगा तो देश हित में फिर भी लगाना पड़ेगा, ठीक। अगले सप्ताह या जब भी मौका मिला तब आएंगे नए विषय के साथ, नए मौजू के साथ, कुछ बढ़िया सोचेगा। और सुनो है, हमको अगर कोई कोचेगा तो हम भी उसको कोचेगा, ठीक। चलिए हो गया भैया, एक कैमरा वाले तुम आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ, अबे उठ जाओ, दुनिया से नहीं यहां से उठ से घूम के आओ। हाँ इसको बंद करना है, बंद करियो, अच्छा है।